अब देखो मेरे साथ क्या लोचा हुआ, यहाँ पे आया टाइमलेस लेने के लिए और इधर सूरज गायब हो गया। Hey guys, spinning the wheels के इस fresh blog में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है भास्कर and as promised earlier in my previous blog, today is gonna be the second episode of exploring Assam #TEZPUR. So guys, stay tuned to the channel because ये ब्लॉग आने वाला है बहुत ही खास। So basically आज का जो ये ब्लॉग है इसमें आपको मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि there are actually very beautiful places in TEZPUR जहाँ पे बाहर के लोगों को इतना ज्यादा मालूम नहीं है। So today we are gonna show you महादेव and also we are going to a place called Rudrapad, वहाँ पे sunset बहुत ही अच्छा दिखता है and also मैं कोशिश करूंगा कि मैं बढ़िया सा time lapse आपको दिखा सकूँ। Also I'll try to show you the KOLIABHUMURA BRIDGE which is around almost 3 kilometers long, वहाँ भी अच्छा लगता है। वहाँ से अगर riding करके जाओगे तो कुछ अलग सा ही feel होता है, अलग सा ठंड लगती है। अगर आप नीचे जाओगे तो वहाँ पे नीचे भी picnic parties बहुत सारे रहते हैं। So yeah, stay tuned to the channel and I am 100% sure you're gonna enjoy this vlog. तो अभी हम पहुंच गए हैं महाभैरव मंदिर और दिन की शुरुआत अगर मंदिर से हो तो पूरा दिन जरूर अच्छा निकलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो आगे कुछ और छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं और आगे मंदिर के सामने नंदी महाराज भी विराजमान है। तो यहाँ मंदिर कुछ ऐसा दिखता है बाहर से और इतना कुछ खास है नहीं यहाँ पे दिखाने को। तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और जल्दी से मंदिर का एक चक्कर लगा के आपसे बात करता हूँ। तो गाइस दिन का शुरुआत हो चुका है महाभैरव मंदिर से और यहाँ से अभी हम लोग सीधा निकलते हैं KOLIABHUMURA BRIDGE। So guys, we have now reached the KOLIABHUMURA BRIDGE and as you can see यहाँ पे एक और ब्रिज बन रहा है और ये जो ब्रिज बना हुआ है ये पुराना वाला है। तो यहाँ पे 4 लेन का काम चालू है इसलिए मैं रास्ते का इतना शॉट नहीं लिया। अगर आप वो साइड में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे पिकनिक पार्टीज भी है। और तो गाइस नीचे से भुमरागुड़ी ब्रिज कुछ इस तरह दिखता है और यहाँ पे आइएगा जरूर, यहाँ पे आप आगे पिकनिक खा सकते हो, अपने फैमिली के साथ आ सकते हो। या इट्स अ वेरी कूल प्लेस टू हैंग आउट विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो आप बोट्स देख रहे हो ये आप रेंट पे ले सकते हो और यहाँ पे एक चक्कर लगा के आ सकते हो। वहाँ पे बीच में उस तरफ कुछ एक आइलैंड भी है, वहाँ पे आप जा सकते हो। तो So guys, this is all about KOLIABHUMURA BRIDGE। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके enjoy करो। लेकिन on a serious note, अगर please इस जगह को गंदा मत करो यार। I mean, come on यार, आप बड़े बड़े बर्तन लेके आ सकते हो या फिर आप खाने पीने का सामान लेके आ सकते हो। क्या आप जो wastage है उसको carry करने के लिए एक छोटा सा बाल्टी या फिर कुछ लेके आओ, यहाँ से लेके जाओ फिर वहीं कहाँ कहीं पर डस्टबिन मिले तो वहाँ पर फेंक दो। तो यार अच्छा नहीं लगता ये, एक्चुअली ये अपने ही जगह है, अगर आज गंदा हुआ तो कल कौन आएगा। तो यहाँ से अभी निकलते हैं और सीधा मिलता हूँ मैं आपको रॉक गार्डन पे। सो गाइस आई जस्ट रीच द रॉक गार्डन और आपको यहाँ से दिखाऊंगा कि यहाँ का व्यू कैसा है। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये जगह बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपको एक क्विक मैं राइड देता हूँ यहाँ से और फिर मिलते हैं सीधा ऊपर जाके। Yeah.
My life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. So guys, right now I am at Rock Garden, and basically this place is dedicated to martyr Kanaklata Pahar. So हाँ यहाँ से अभी निकलते हैं, यहाँ से निकल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ रुद्रपद. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss. So guys, मैं अभी पहुंच गया हूँ रुद्रपद, और यहाँ पे आके कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटा सा टाइम लैप्स आपको दिखाऊं. तो आप तो देख लिए हो कि अभी भी मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, और मेरा टाइम लैप्स भी मोबाइल में ही हो रहा है. और आज मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तो पता नहीं मेरे को क्या टाइम लैप्स कैसा होगा. बाकी आप तो हो ही हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये टाइम लैप्स कैसा लगा, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों को और इस तरह के वीडियोज़ दिखाने के लिए. ऑल्सो तेजपुर में और कई जगह है जो आपको मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन बट इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो. सो तेजपुर यहीं ख़त्म करते हैं. शायद मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ कार्बी आंगलोंग, नहीं भी हो सकता है मैं दूसरा जगह भी जा सकता हूँ, बट आई हैव पर्सनली विजिटेड कार्बी आंगलोंग ए फ्यू टाइम्स, और वहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है बहुत ही सुंदर है. सो या स्टे ट्यून टू द चैनल, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, हो सके तो शेयर भी कर देना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा. तो अभी वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग. And yeah, thank you for watching. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally.